मॉर्निंग, क्या हाल है? ये आपका घर से बाहर निकलने का हुलिया? क्यों, इसमें क्या बुराई है? ओ बीबी, ये गांव है, इस तरह के कपड़े बाहर पहन के निकलेंगी ना तो बेहयाई समझी जाती है इधर। लेकिन मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। और आप कम से कम ये ड्रेस उस रात के फंक्शन के मुकाबले में तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। वो छोटे छोटे ब्लाउजेस, वो स्लीवलेस शर्ट्स, साड़ीज, और आपको क्या लगता है कि हर वो चीज जो ईस्टर्न हो वो अच्छी होगी? ये ड्रेस आपको सिर्फ इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये वेस्टर्न है। चाचा जी ने अपनी आकबत खराब कर ली है बच्चियों की ऐसी तरबियत करके। हनीमून? हाँ ना, हनीमून कहाँ चले? जहाँ आपका दिल चाहे। और मैं तो तुम्हें कहीं भी ले जाऊं, दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन तुम्हारा दिल वहां लगे ना लगे। क्यों नहीं लगेगा दिल? उस शादी के बाद लड़की का दिल उसके महके में अटका रहता है। माँ बाप से जुदाई, जिस घर में बचपन गुजरा हो वहां से अलग होना बड़े अफसोस की बात है। वो तुम्हें तुम्हारा कमरा, तुम्हारी राइटिंग टेबल, तुम्हारा तकिया कितना याद आता होगा ना? और अब चाचा चाची वापस वलैत चले जाएंगे, तुम उनके बगैर कितनी उदास होगी ना? वो तो है। अब ऐसे में मैं तुम्हें परिस्तान भी ले जाऊं तब भी तुम्हारा दिल नहीं लगेगा वहां पे। इसका मतलब हम हनीमून पे नहीं जा रहे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ओ हनीमून पे जरूर जाएंगे, मगर मैं सोच रहा था हम हनीमून पे ऐसी जगह जाएं जहां तुम खुश रह सको, तुम्हारा दिल लगा रहे, उस पे कोई बोझ ना हो। हनीमून के लिए बाहर? नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं। मुझे वहां जाना जरूर है, मगर अकेले इस रिश्ते से निजात हासिल करके। समझ आ गया। ओ हम हनीमून पे जरूर जाएंगे चाचा जी चाची जी के साथ। फारिम मिट्टी पाइए, भंगड़ा पाइए, कठिया होके झूमर पाइए। नैना दा ए जादू आके, सावा दी भी खुशबू आके, दिल आहू आहू आके, ये सोनी ये नच ले।